Hello dear students, so in the series of lectures on metals and non-metals, we were doing the topic metallurgy, in which there were five steps of metallurgy. Two steps we have already discussed, those are, first one was crushing of ore. This was the first step. Second was concentration of ore, and for how do we concentrate the ores, for this we have read four methods. Okay, so now today we are moving to the third step in metallurgy, that is conversion of ore to metal oxide. तो जो आपका concentrate जो metal आपका हो जाता है, ore आपका concentrate हो जाता है, में से थोड़ी बहुत impurity उसमें से निकल जाती है. फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो आ गया आपका जो metal, अब आपका थोड़ी बहुत कम इम्प्योरिटी उसमें होंगी, अब उसको फिर आप मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप. तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो आपका मेटल है, सॉरी ओर है, उसको हम मेटल ऑक्साइड में उसको हम कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो देर आर टू स्टेप्स फॉर कन्वर्जन. तो इनके दो स्टेप्स में हम कन्वर्जन करते हैं, सॉरी टू मेथड हैं इसकी कन्वर्जन करने की. टू मेथड इसलिए क्योंकि ओर भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं. कोई और ऐसा होता है उसमें थोड़ी सल्फाइड वाली इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कोई और ऐसा होता है उसमें थोड़ी कार्बोनेट वाली इम्प्योरिटीज़ होती हैं. तो जिसमें सल्फाइड वाली इम्प्योरिटीज़ होंगी, जिस ओर में सल्फाइड वाली इम्प्योरिटीज़ होंगी, उसमें हम जिस मेथड का यूज़ करेंगे मेटल ऑक्साइड बनाने में, दैट मेथड इज़ नोन एज द रोस्टिंग. सो रोस्टिंग इज़ द मेथड, दिस इज़ यूज फॉर द सल्फाइड ओर. यानी अगर आपका सल्फाइड ओर है, मीन्स अगर ओर में आपकी सल्फाइड वाली इम्प्योरिटीज़ हैं, देन यू आर गोइंग टू यूज़ दिस रोस्टिंग मेथड फॉर कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड. तो मेटल ऑक्साइड बनाने के तब आप रोस्टिंग मेथड यूज करेंगे जब उसमें सल्फाइड ओर होगा. तो रोस्टिंग में क्या करते हैं, आप यू आर हीटिंग द ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप उस ओर को हीट करेंगे. जैसे हमारे पास कोई सल्फाइड वाला ओर है, हमारे पास लेट्स से आई हैव सल्फाइड वाला ओर है हमारे पास जिंक सल्फाइड. तो इसमें जिंक है लेकिन इसमें सल्फाइड वाली इम्प्योरिटी है. तो आपको इस ओर को आपको ऑक्साइड में बदलना है. जिंक सल्फाइड को आपको किसमें बदलना है, ऑक्साइड में बदलना है. तो क्या करेंगे आप, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट करेंगे. यानी यू आर गोइंग टू हीट दिस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपका यहाँ से जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा. मीन्स सल्फाइड आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. यही है कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड. तो हमने ओर को मेटल ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड में हमने कन्वर्ट कर दिया. ओके, सो दिस मेथड इज़ नोन एज द रोस्टिंग. ये फर्स्ट मेथड थी हमारी कन्वर्जन करने की. तो इस मेथड का यूज तब करेंगे व्हेन द ओर इज़ हैविंग सल्फाइड इम्प्योरिटीज, और यू कैन से व्हेन द ओर इज सल्फाइड. ओके, सल्फाइड ओर. सो दिस मेथड इज यूज फॉर सल्फाइड ओर, एंड इन दिस वी आर हीटिंग द सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड. तो आप इस तरह से जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके डियर, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज कन्वर्जिंग की जो नेक्स्ट मेथड है, दैट इज नोन एज द कैल्सिनेशन. तो कैल्सिनेशन में वही, अगर आपके अभी तक तो आपके पास सल्फाइड की इम्प्योरिटीज थी, सल्फाइड ओर था, लेकिन अब सपोज आपके पास सल्फाइड ओर नहीं है, यू आर हैविंग कार्बोनेट ओर. अब आपके पास कौन सा ओर है, कार्बोनेट ओर है. सो देन रोस्टिंग इज नॉट हेल्पफुल. तो रोस्टिंग मेथड से आप कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको ऑक्साइड में, है ना. तो रोस्टिंग मेथड से कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो सो इन दैट केस यू आर यूजिंग द कैल्सिनेशन मेथड फॉर चेंजिंग दिस कार्बोनेट ओर टू ऑक्साइड. तो कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में बदलने के लिए अब आप कैल्सिनेशन मेथड का यूज करेंगे. तो क्या है कैल्सिनेशन मेथड, हेयर वी आर यूजिंग सॉरी हीटिंग द ओर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में आप ओर को हीट करेंगे. लेट्स से आई हैव अ कार्बोनेट ओर, हमारे पास एक कार्बोनेट ओर है, एंड दैट इज़ CaCO3, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट. ये कार्बोनेट ओर है, तो इसमें कार्बोनेट वाली इम्प्योरिटीज़ है, कार्बोनेट ओर है, तो इसको मुझे ऑक्साइड में बदलना है, मेटल ऑक्साइड में बदलना है. तो क्या करूँगा मैं, इसको इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट करूँगा मैं. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के अब्सेंस में आप इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका कार्बोनेट ओर है या आपका किसमें बदल जाएगा, मेटल ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड में आपका बदल जाएगा, और CO2 इसमें से अलग बाहर निकल जाएगी. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दीज टू मेथड फॉर चेंजिंग कन्वर्टिंग देम इनटू मेटल ऑक्साइड. तो
तो मेटल ऑक्साइड में अगर आपको ओर को कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड में थर्ड स्टेप में, ये तो नेसेसरी है। तो फर्स्ट स्टेप में आप उसको क्रश करेंगे ओर को, यानी बड़ा ओर होगा उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश करेंगे, तो उसमें कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन मीन्स उसमें छोटी बहुत थोड़ी बहुत जो इम्प्योरिटीज होंगी उनको आप वहाँ से सॉर्ट आउट करेंगे, वहाँ से निकाल देंगे उनको, ठीक है। फिर उन इम्प्योरिटीज़ को दूर हटाने के बाद फिर से उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, जैसे उसमें सल्फाइड की इम्प्योरिटीज़ हैं, कार्बोनेट की इम्प्योरिटीज़ हैं। अगर सल्फाइड की इम्प्योरिटीज़ हैं तो क्या करेंगे आप थर्ड स्टेप में उसको फिर आप मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे हमने रोस्टिंग मेथड से सल्फाइड को हमने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, जिंक ऑक्साइड में, हैं। एंड कार्बोनेट ओर है तो आप कैल्सिनेशन मेथड यूज करेंगे कन्वर्जन के लिए, तो कार्बोनेट ओर को आपने कैल्शियम का ऑक्साइड में इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपने हीट किया, दैट मेथड इज नोन एज कैल्सिनेशन, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग मिशन स्कूल परिवार, थैंक यू।